जुग जुग से चाहे सतयुग रहल, द्वापर युग चाहे कलयुग, कवि लोग हमेशा नारी के केश के अपन रचना के प्रेरणा बनैले हवन जा। नारी सदैव से अपन सुंदरता के बढ़ावा दे खातिर अपन बाल के ख्याल रखले हवन जा और हमेशा ओकर श्रृंगार के बढ़ावा देले हवन जा। नारी हमेशा अपन बाल के स्वस्थ रखे खातिर तेल, गुलाब जल, साबुन तथा इत्र के प्रयोग करले आल हवन जा। बाल के हमेशा फूल से सजावल गलबा, ओकर सुंदरता में निखार आने खातिर हर तरह से बाल के सजावल जाला। शादी के मौका में भी दुल्हन अपन बाल के हर प्रकार के उपचार से सजावेलन जा। प्रकृति के देन है और फूल के प्रयोग होला पूजा पाठ में, शादी ब्याह में और अंतिम संस्कार में भी फूल के प्रयोग होला। कबो सोचले हवा कि फूल के बिना बहुत से विधि नहीं होला। अभी हमने है जा पोइतुसाबल में एब्सोल्यूट ब्यूटी पार्लर में और हमने मिले आए हैं जा कमला रंगासामी से। कमला एक गो ब्यूटिशियन हवन और आज हमने देखब जा कि कमला फूल से कैसे सजावट करेलन। कैसे सजावा चला हमने देखा जा साथ सजा प्रोग्राम में। Fait à peu près 21 ans qui me donne le métier maquilleuse et coiffeuse et bon pour faire beaucoup la moyenne. गल 21 बरिस से हम एक क्षेत्र में काम करत हैं, ब्यूटिशियन और हेयर स्टाइलिस्ट हैं। जस्ती ब्राइडल मेकअप करीला हिंदू, तमिल, ईसाई सब लोग के। तमिल के जब बाल बनाईला से तब परंपरा अनुसार जस्ती फूल के जरूरत परेला। बाल में लगाई से पहला ई फूल के बनाए के परेला, लेकिन इस सबसे पहला फूल के चाहेला हमरा पानी में डाले के, मतलब फूल के अच्छा देखभाल करे के परेला, जे में फूलवा निमन से फूली और नहीं टूटी और तब जाके ई फूल बाल में अच्छा से दिखी। कोई दुल्हन पूरा बाल में भरल फूल डाले के पसंद करेलन सा, जेके हमनी बोलीला सा फूल हेड। तब कोई जना थोड़ा सुन फूल खुशी हवन सा खाली शियों में। हमरा ये काम बहुते पसंद बा और हिंदू समुदाय में भी आजकल दुल्हन लोग अपन बाल में फूल लगाए की खुशी हवन सा, पर कोई जना उतना भरल फूल नहीं लगावेलन सा। आजकल तो परिवार लोग भी शादी में जालन सा तब जब क्वाफिया करेलन सा तब फूल से अपन बाल के सजावेलन सा। फूल के मांग और प्रयोग तो सगरो होला शादी में, पूजा पाठ आदि में। और एगो ट्रेडिशन है कि शादी में प्रयोग करल गल दुल्हन के सामान दूसर जना के दोबारा नई प्रयोग करे के चाहिला, तो है ये खातिर हमने नेचुरल फूल के इस्तेमाल करिला सर। पहले तो इतना फूल नहीं मिले जितना अभी मिलेला। हम जब शादी कर ले रहनी तो खाली हो मौगेरित फूल मिले। अब तक
फूल के बाग सगरो बाते और कलित कलित के रंग बिरंगे फूल अब फूल बाल के सजावट के जस्ती सुंदर बनावेला मतलब मानला एगो सुंदर क्वाफिया करला लेकिन देखबा कि फूल के बिना क्वाफिया हुआ उतना सुंदर नहीं दिखेला और जब कपड़ा के रंग के आधार पर फूल लगेबा तहां बड़ी सुंदर दिखेला Pina sal bleu dans le visage hein, et comme maquillage. Une fleur, il fait un plus. हम और हमर बुढ़ा संगे संगे काम करीला स वो हमर बड़ी मदद करीलन ई फूल के सजावट खातिर एगो खास बांध के तैयार करे के परेला हमर बुढ़ा एकर प्रिपरेशन पहले से कर देवेलन एक एक कात देवेलन तब हम सुई और धागा से एके सीला फूल के निमन से चाहेला जाने के कैसे सिए के एकर बाद हम खुद फूल के प्लासे करीला कामवा के चाहेला सफा दिखे के इस सजावट में अक्सर सफेद और गोयना रंग के फूल के प्रयोग जस्ती होला पर कबो कबो कोनो जना ऑरेंज रंग या खाली गोयना रंग के खोजलन स तमिल समुदाय में शादी के दिन परंपरा अनुसार हमने तीन साड़ी बदलीला स पहनीला स तजन आखिरी साड़ी पहनियन स तब हम उस साड़ी के रंग के आधार पर फुल हेड बाल के फूल के सजावट करब हम देखब कि उस साड़ी में सफेद और गोयना बा त दोनों रंग के इस्तेमाल करब प्रयोग करब तमिल समुदाय में कोई जना बाते जो न खाली सफेद रंग से अपन बाल के सजावेलन सा उकर में सफेद के अलावा कोनो भी रंग के फूल नहीं डालीलन सा जे शादी आज फजीर के 10 बजे होई त हमरा हुआ परेला 6 बजे चल जाए के त ऐसे में लावे के परेला हमरा बांधवा में इस सब फूल के सजा के सी दे के ई फूल के जे निमन से देखबा त ई तेनिया होला शादी भी हो जाए फोटोशूटिंग रिसेप्शन भी हो जाए बाल और फूल के उ साथ सजा ए तक रही हु बहु रही आज एक कथा कि मो बोरे आज ऐसा फ्लेला पो मो फेयर से नेट मैकियाज पे सो रिसेप्शन मे फ्लेला रेस ए तक ले कारेस ऑन सा मे सी टेन फ्लेला लो आलो जो बब कारेस अवेक सा स्का रिसेप्शन
फूल देखे में बड़ी सुंदर, बाल के सजावट खातिर बाल में लगेबत तब बड़ी सुंदर दिखेला। और चाहेला जाने के कि एकर पाछे कितना मेहनत लगेला, आज हम देखने जा कि कमला रंगासामी कैसे इ फूल के बनेले हवन यहाँ पर पोतु साबल में। और उनकर साथ उनकर पति पालमासी वैन भी उनकर हाथ बतावेलन। और एक दूसर प्रोग्राम में हम देखब जा कि कैसे कमला इ फूल के दुल्हन के बाल पर लगयन, मतलब कि दुल्हन के बाल पर इ फूल कितना सुंदर दिखेला। एक दूसर प्रोग्राम में हम देखब जा, सात सजा प्रोग्राम में हमने फिर से मिलब जा आते सप्ताह। नमस्ते।